पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम है। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी से लगभग 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक खूबसूरत शहर है। शांत पहाड़ियों, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा यह शहर एक आदर्श स्थल है। शहर की भाग दौड़ से दूर तेजपुर प्रकृति प्रेमियों से लेकर इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों और शांत स्थल की खोजबीन करने वालों का पसंदीदा स्थल है। ये राज्य का पांचवां बड़ा शहर है। अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे असम की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। साहित्य रथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ असमी भाषा और साहित्य के लिए इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है और ये भी तेजपुर शहर या इस पूरे क्षेत्र के लिए एक धरोहर के रूप में है। यहाँ के स्थानीय लोग इनकी भाषा को लेकर योगदान को काफ़ी सराहते हैं। अगर हम तेजपुर की बात करें तो ये असम के सबसे खूबसूरत और सबसे साफ सुथरे शहरों में भी माना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस शहर को स्वच्छता के लिए सम्मान भी मिल चुका है। तो आपके सांसद की इस कड़ी में हम आज बात करेंगे इस शहर की, इस क्षेत्र की, और अब क्या कुछ इस शहर में करने को रह गया है उसकी बात होगी। तो आपके सांसद की इस कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं असम के तेजपुर लोकसभा क्षेत्र में। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आज के एपिसोड में बात करेंगे आपके संसदीय क्षेत्र की। मिलते हैं यहाँ के स्थानीय सांसद से और पड़ताल करते हैं इस क्षेत्र में हुए विकास की और यहाँ के नागरिकों की ख्वाहिशों की। मैं पल्लव लोचन दास, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सांसद में। मैं हूँ सूरज मोहन झा। आपके सांसद के इस कड़ी में हम पहुँचे हैं असम के तेजपुर। तेजपुर एक काफी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है और 3 जिलों से मिलकर यह एक लोकसभा सीट बनती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये बेहद खूबसूरत इलाका है जो अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान के लिए जाना जाता है, और ये एक पहचान और भी रखता है लोकसभा में। इसकी नुमाइंदगी एक बेहद ही युवा करते हैं, पल्लव दास लोचन जी। पल्लव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? पहले तो मैं जब उस टाइम स्कूल में पढ़ रहा था तभी तो हमको लगा नहीं कभी भी हम लोग राजनीति में कभी राजनीति करना होगा बाद में। फिर जब कॉलेज पढ़ने गए गुवाहाटी तभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखा, वहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत वहाँ पे असम में बहुत ही एक्टिव उस टाइम थे, तो उसी टाइम मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा। फिर उसी के साथ थोड़ा सामाजिक जो काम, लोगों का प्रॉब्लम्स, लोगों का इश्यूज, असम के बहुत सारा इश्यूज के साथ जुड़ने का मौका मिला। फिर उसी टाइम मेरा रुझान भी बढ़ा, जे नहीं राजनीति के एक माध्यम हो सकता है जिसमें हम अगर समाज के लिए कुछ काम करना चाहें, तो उसी तरह से मैं जुड़ने का मुझे मौका मिला। उसी टाइम कांग्रेस का टाइम था, उस कांग्रेस के टाइम में तो उस टाइम हिमंत बिस्व शर्मा जी आज के मुख्यमंत्री, उस टाइम वो वोबा मंत्री थे, तो उनके बहुत ही चर्चे थे और वो बहुत डायनेमिक उस टाइम भी थे, बहुत एग्रेसिवली राजनीति करते थे उस टाइम से। तो उनके साथ मेरा परिचय हुआ, उनसे मिलना हुआ, तो उनके साथ बात करने के टाइम में उन्होंने भी मुझे प्रस्ताव दिया, क्यों ना तुम राजनीति में आ जाओ, क्योंकि स्टूडेंट में हमेशा तुम नहीं कर सकते हो, एक दिन तो छोड़ना ही है। तो मैंने भी सोचा ठीक है, सामाजिक काम ही करना है तो थ्रू पॉलिटिक्स करते हैं। तो उनके संपर्क में आने का मुझे मौका मिला। उसके बाद मैंने 2010 में कांग्रेस ज्वाइन किया उस टाइम। फिर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उस टाइम मुझे 2011 में मुझे बिहाली बोल के, इस लोकसभा की एक सेगमेंट है जो विधानसभा सीट है बिहाली, उस सीट में मुझे टिकट मिला कांग्रेस से। तो उसी टाइम मैं वहाँ से MLA बना 2011 में। फिर 2011 से MLA रहा। फिर उस टाइम के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे तरुण गोगोई जी, उनका साथ हम लोग का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ बहुत सारे चीज़ों के ऊपर। हिमंत बिस्व शर्मा भी थे, हम बहुत सारे MLAs थे,
तो उनके साथ वोट जो डिफरेंस हुआ उसी के बाद हम लोगों ने सभी ने एक डिसीजन लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग तो बहुत अपना बहुत भविष्य है, हम लोग देख के काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने उसी टाइम, वो बहुत सारा कहानी है वो अभी नहीं बोलेंगे, तो उसके बाद हमने छोड़ दिया। 2015 में मैं बीजेपी ज्वाइन किया। 2016 में मैं फिर मुझे बीजेपी से टिकट मिला रंगापाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और रंगापाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं फिर एक बार चुना गया, मुझे लोगों ने मौका दिया। फिर 2016 में फिर सर्वानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में पहली बार असम में बीजेपी का भाजपा का सरकार बना। तो उसी सरकार में उन्होंने और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा पार्टी लीडर ने उसी टाइम मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के हिसाब इंडिपेंडेंट चार्ज, तो मुझे मंत्री भी बनने का मौका मिला। तो फिर 2016 से मैं 2019 तक मंत्री रहा। फिर अचानक मुझे ऐसा जानकारी था नहीं, और मैं जो लड़ने का लोकसभा लड़ने का पार्टी ऐसा मुझे मौका देगा उसे भी मुझे मालूम नहीं था। फिर लोकसभा के लिए इलेक्शन का मुझे मौका मिला। फिर 19 में मुझे भी ये मेरा सौभाग्य था जो मुझे नरेंद्र मोदी जैसा एक महान नेता जब प्रधानमंत्री थे उसी टाइम मुझे भी लोकसभा में एक सांसद बतौर सांसद जीतने का मौका मिला। सांसद पल्लव लोचन दास दो बार असम विधानसभा के सदस्य रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने असम सरकार में मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। हमने सांसद पल्लव दास लोचन से जाना, विधानसभा से लोकसभा के उनके सफर का अनुभव। आप लोकसभा बहुत सारे तजुर्बे के साथ पहुंचे हैं, चाहे वो संसदीय अनुभव की बात हो चाहे सरकार में कामकाज की बात हो, तो लोकसभा को विधानसभा से किस तरह भिन्न पाते हैं आप? थोड़ा तो डिफरेंस है, क्योंकि देखिए मैं पहली बार जब लोकसभा में मैं गया तो जाके मैं सामने जब देखा नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे अमित शाह जी, सब दिग्गज नेता को जब हमने सामने से मैंने देखा तो मुझे लगा मैं कितना, मतलब उनके सामने मैं खड़ा हूँ। जो टीवी में मैं देखता था, जिसको देख देख के हम राजनाथ सिंह जी हो, उस टाइम मैं इनको देखता था, तो उनको सामने देख के मुझे ऐसा लगा मैं उनके साथ एक साथ में हूँ। जो मैं ओथ लेने गया फिर मुझे ऐसा लगा मैं ओथ कैसे ले पाऊँगा, मतलब ऐसा घबराहट फीलिंग था, लेकिन अच्छी तरह से लिया। फिर उनके साथ सबके साथ संपर्क हुआ, सबके साथ मिलना हुआ, बात हुआ, तो बहुत ही बढ़िया वो अनुभव रहा। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में अगर बोलते हैं तो सीखने का बहुत मौका मिलता है पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई के बारे में कोई लॉ के ऊपर डिटेल डिस्कशन होता है, स्टैंडिंग कमिटी में बहुत ही डिटेल बारीकियों के साथ सभी रिपोर्ट के देखा जाता है, बोला जाता है, असेसमेंट होता है, ऑफिसर्स के साथ बैठ के बात करने का मौका मिलता है क्या चल रहा है, और पूरा देश को जानने का मौका मिलता है। पहले तो हम असम में थे, हम लोगों को लगता था असम ही सबसे बड़ा है, लेकिन जब वहाँ गए तो देखा केरला का इश्यूज़ क्या है, तमिलनाडु का क्या इश्यूज़ है, गुजरात का इश्यूज़ क्या है, महाराष्ट्र का इश्यूज़ क्या है, या यूपी का इश्यूज़ क्या है, बिहार का इश्यूज़ क्या है, ये सब जानने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। उनके अनुभव का मुझे वो मौका मिला। वो लोग बोलते थे जब अपने प्रदेश के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, उनके वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में जब बोलते थे, तो वो सब हमको सीखने को मौका मिला, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो पूरा देश को जानने का मौका मिला। मैं भारत को समझ पाया हूँ अच्छी तरह से लोकसभा सांसद होने के बाद। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है तेजपुर, और ये असम की जीवनदायिनी नदी है। असम के सभी प्रमुख शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी देती है, और ब्रह्मपुत्र नदी असम के लोगों की सांस्कृतिक पहचान भी है। आइए आपके सांसद की इस कड़ी में तेजपुर के सांसद पल्लव दास लोचन जी से पूछते हैं कि यह जो जीवनदायिनी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका किस तरह से ये अपने क्षेत्र में रोजगार या फिर आर्थिक तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, संसद में इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र हमेशा ही हमारे लिए लाइफ लाइन है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का पानी को हम लोग कैसे यूज़ करें इसके ऊपर हम लोगों का बहुत ही, हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है। क्योंकि बात ऐसा है, पहले हम लोगों का अगर पौराणिक आप देखें, पूरा ब्रह्मपुत्र के ऊपर ही हमारे पूरा जितने भी शहर हैं ब्रह्मपुत्र के बैंक में ही
पूरा शहर बसा हुआ है। यहाँ पे ब्रिटिश भी जब आए इसी में थ्रू उनका सब भी जितना भी उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था जो भी था वो सब वो उस तरफ से हम लोग कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा बाढ़ का इशू है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, तो बाढ़ को कैसे हम लोग कंट्रोल करें उसके ऊपर थोड़ा सा अभी काम भी चल रहा है और हम लोग थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन के काम भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन और भी करना बाकी है। लेकिन ये हमारा लाइफलाइन है क्योंकि ब्रह्मपुत्र के पूरा रिवर के पूरा बैंक्स में हम लोगों का खेती बाड़ी सारा कुछ वहीं पे होता है और हम लोग वहाँ पे हमारे जो कल्चरल आइडेंटिटी वो भी उनके साथ ब्रह्मपुत्र के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी हम लोगों का जो लोग हैं जीवन जीविका जो भी होता है तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर ही चलता है। कोई मछली भी बिजनेस करते हैं लोग, फिर उनका पानी के थ्रू हम लोगों का जितने भी खेती बाड़ी ये सब चलता है, तो पूरा लाइफलाइन हम लोग ब्रह्मपुत्र के ऊपर। लेकिन ब्रह्मपुत्र का जो बाढ़ का इशू है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अपनी इस आपके सांसद की कड़ी में जब हम आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में हमने देखा टूरिस्ट स्पॉट भी काफ़ी है आपके यहाँ, अगर इसको अच्छी तरह से संवारा जाए तो ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है और यहाँ के लोगों के जीविका उपार्जन का एक बड़ा साधन हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को हमने देखा है पर्यटन के क्षेत्र में, वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर योजनाएँ बना रहे हैं, तो क्या आप लोग भारत सरकार या फिर संसद में इसको लेकर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं? देखिए हम लोगों का अभी ऐसे भी आप अगर नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं या आसाम को देखते हैं तो आपको लगेगा यहाँ पे पर्यटन का बहुत ही ज़्यादा सुविधा है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। या आप यहाँ पे आएंगे काजीरंगा बहुत नेशनल पार्क है जहाँ पे वन होन राइनो आपको मिलता है, ये पूरा लगा हुआ है, ये अगर पूरा देखेंगे ये पूरा एरिया काजीरंगा है। तो हम लोग इसको कैसे टूरिस्ट स्पॉट की तरफ से हम लोग थ्रू नदी के थ्रू कैसे काजीरंगा का देखा जाएगा और हमारे वहाँ पे विश्वनाथ है, जितने भी घाट्स है यहाँ पे हमारा बैंक है, वो बैंक के सामने हम लोग कैसे टूरिज्म स्पॉट हम लोग उसको डेवलप करें उसका काम चल रहा है। तो हम लोगों का पूरा नदी के किनारे जितने भी हमारे आध्यात्मिक प्राण केंद्र हैं, कभी भी बड़े बड़े मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर हो, सिंगरी मंदिर हो, हमारे सारे मंदिर यहाँ पे जुड़े हुए हैं और उसके साथ भी हमारे वाइल्ड लाइफ भी जुड़े हुए हैं और सीनिक ब्यूटी तो बहुत सुंदर है। तो इनको सबको मिला के हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं जो हमारे टूरिज्म सेक्टर को नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और टूरिज्म को, तो ये दोनों को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं इसके ऊपर काम भी चल रहा है। और मैं तेजपुर को पूरा कनेक्ट करने के लिए और पूरा तेजपुर को पूरा पर्यटन क्षेत्र कैसे बनाया जा सकता है और कैसे रिवर के थ्रू काजीरंगा को लोग टूरिस्ट देख सकते हैं उसका ऊपर हम लोग भी बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है अगले साल में हम लोग इसके ऊपर ज़रूर काम कर पाएंगे और बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम लोग पर्यटन में हम लोग ला सकते हैं। तेजपुर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट हैं और ये लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों शोणितपुर, विश्वनाथ और लखीमपुर तक फैला हुआ है। तेजपुर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 9 सीटें हैं, ढेकियाजुली, बरचाला, तेजपुर, रंगपारा, सौतिया, विश्वनाथ, बेहाली, गोहपुर और बिहपुरिया। पूर्वोत्तर भारत के सबसे प्रमुख राज्य असम से सांसद होने के कारण यहां के स्थानीय नागरिकों की उम्मीदें अपने सांसद से काफी ज्यादा हैं। तेजपुर संसदीय क्षेत्र में आम जनता सांसद पल्लव लोचन दास से सहज तरीके से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उठाती हैं। सांसद महोदय भी अपने क्षेत्र में सांसद जनता के द्वार जैसे कार्यक्रम चलाकर जनता से संवाद करते हैं। सांसद पल्लव लोचन दास लोकसभा में यहां के स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से सदन में उठाते हैं। नॉर्थ ईस्ट का आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, युवा हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी का खास फोकस उत्तर पूर्व के राज्यों में होता है, उन्होंने अलग मंत्रालय अलग विभाग बनाया और बार बार वो कहते हैं मुख्य धारा से जब तक आप उत्तर पूर्व को जोड़ेंगे नहीं, योजनाएं सही से वहाँ पहुँचेंगी नहीं, संवाद कायम नहीं होगा तो विकास की धारा यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अब हमने देखा है उसका असर दिखना शुरू हुआ है। आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं उत्तर पूर्व के जो तमाम राज्य हैं आपके राज्य के साथ में वो विकास की धारा में रहें और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का लाभ उठाएं? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब पहले वो प्रधानमंत्री बने
उनके बाद पहले लोग क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग सोचते थे, हम लोग दिल्ली हमारे से बहुत दूर है और दिल्ली से हम लोगों का मतलब दिल्ली हमको स्टेप मदरली बिहेवियर करते हैं, तो उसके लिए दिल्ली के साथ लोगों का एक बहुत बहुत दूरीपन था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब पहले उन्होंने आके बोला, जब पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बोला ये अष्टलक्ष्मी है, नॉर्थ ईस्ट को बोला ये न्यू इंजन हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट का हमारे अगर ईशान कोण जैसे हमारा घर का सबसे अच्छा नहीं होगा तो देश का घर का समृद्धि नहीं होता है, तो नॉर्थ ईस्ट जब तक प्रॉपर पस्परस नहीं होगा या समृद्धिशील नहीं होगा तो हमारा देश का भी विकास नहीं होगा। तो उन्होंने जो बात में उन्होंने एक नेता का जब बात होता है ना उस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया, पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा है जब नॉर्थ ईस्ट में हर मंत्री को आपको आना है, तो मंत्री यहाँ पे आना है ऐसा नहीं, उनको रहना है यहाँ पे, लोगों के साथ बात करना है, तो ऐसा हो गया। अभी नॉर्थ ईस्ट में हर दिन में आप एक केंद्र मंत्री को आपको यहाँ पर दिखाई, पहले तो हम लोग केंद्र मंत्री नॉर्थ ईस्ट में आना ही एक बड़ा न्यूज़ होता था, आजकल डेट में किसी भी छोटे शहर में अब किसी मंत्री का प्रवास आपको लोगों को दिखाई पड़ेगा, छोटा सा मीटिंग भी आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये परिवर्तन है। दूसरा है हम लोग का इमोशनल जो सेंटीमेंट है उसको समझना एक नेता को, तो हमारा इमोशनल इश्यूज़ क्या था, जो एलिनेशन जो था, दूरीपन जो था, उसको कैसे लाए। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम हमारे लिए यहाँ पे किया, जो हमारे जो उग्रवादी थे उनको कैसे उनको शांति कायम करें, उनको कैसे हम लोग टेबल में ला के उनके साथ बात करके इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। तो उन्होंने पहला सबसे बढ़िया काम किया हमारे यहाँ पे पूरा एरिया के लिए, जो एनडी बोडो का जो पीस अकॉर्ड हुआ, तो बोडो का जो पीस अकॉर्ड हुआ पूरा एरिया पीसफुल हो गया। अभी पूरा डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी पूरा स्टेट का कैसे प्रोग्रेस हो, नॉर्थ ईस्ट कैसे जुड़े, ये सब इश्यूज़ अभी निकल के आ रहा है। दूसरा इश्यूज़ हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट के बीच हम लोगों का जो रिलेशनशिप था उसको कैसे अब बेहतर से बेहतर बनाए, तो नेडा का गठन हुआ, तो नेडा का गठन के माध्यम से हम पॉलिटिकली जुड़े, तो एक पॉलिटिकल हम लोगों का एक बढ़िया रिलेशनशिप डेवलप हुआ। उसके बाद हम लोगों का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, अभी बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो बॉर्डर डिस्प्यूट जब ख़त्म हो जाएगा पूरा नॉर्थ ईस्ट का इशू हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। हम लोग अभी कल्चरल एक्सचेंज भी पहले भी था, हम लोग अभी बेहतर से बेहतर हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी 50 बार से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में उनका प्रवास हुआ, ये कभी एक प्रधानमंत्री मेरे लोकसभा में 5 बार उनका प्रवास हुआ। प्रधानमंत्री जी का एक लोकसभा में 5 बार प्रवास होना एक छोटा सा जगह में, ये कभी ये अद्भुत है, ये कभी कोई नहीं सोच सकता। तो उनकी वजह से अभी पूरा ये पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बेहतर हो गया है। अभी हम लोग का एयरपोर्ट हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या जलमार्ग हो, ये सारा का ऊपर फोकस हो गया। ये जो सोच में परिवर्तन हुआ है ना, ये पहले कभी हुआ नहीं था। अभी हमारे युवा, हमारे खिलाड़ी अभी नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे ओलंपिक में मेडल नॉर्थ ईस्ट में आता है। अभी कोई भी पॉलिटिकल हमारे अभी मुख्यमंत्री जी देश में घूमते हैं तो उनका इतना पॉपुलरिटी है, पहले एकदम दिखते नहीं थे। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन में देश को जोड़ने का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को ये कार्यान्वित करता है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग आजकल दिल्ली जाने में या दिल्ली से कोई आने में हम लोग को ऐसा लगता है हम एक परिवार में हैं, एक देश में हैं, वो फीलिंग अभी आ गया, वो इस फीलिंग में देश को बहुत आगे लेके जाएगा और नॉर्थ ईस्ट भी बहुत प्रॉस्पर करेगा, ये हमें उम्मीद है। सांसद पल्लव लोचन दास एक युवा राजनेता हैं और वर्ष 2011 में आप पहली बार विधानसभा सदस्य चुने गए। वर्ष 2016 में असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार में आपने श्रम, रोजगार और चाय जनजाति कल्याण मंत्री के तौर पर काम किया है। साल 2019 में पल्लव लोचन दास ने पहली बार लोकसभा चुनाव तेजपुर से लड़ा और 2,00,000 से अधिक मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। आप इतनी युवा अवस्था में 2 बार विधायक बने, राज्य में आप मंत्री रहे और अब लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कैसा लगता है और प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात होती है तो किस तरह का आपका संवाद रहता है? देखिए, मोदी जी को जब 2014 से लोगों ने या सभी युवाओं ने
जब उन्होंने उनको फॉलो किया तो उनका जो बात करने का, जो लोगों के साथ कनेक्ट करने का जो उनका एक नया शैली है वो किसी राजनीति में, राजनीतिविद में नहीं है। तो मुझे मौरान में उस टाइम 2015 में मुझे याद है, मैं उस टाइम MLA था, तो हम लोग का एक लाइन अप था, तो मोदी जी उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उन्होंने एक संबोधन करने के लिए मौरान में, हम डिब्रूगढ़ के मौरान में वो आए थे, तो मुझे भी लाइन अप करने का वहाँ पे मौका मिला। तो मैं जब वहाँ पे था तो उसी टाइम सबको वो नमस्कार करते करते चले गए, तो मैं भी था तो मैं भी नमस्कार किया, नमस्कार करके उनको बोला जो मैं फर्स्ट टाइम MLA हूँ और मैं पार्टी, उन्होंने मुझे खुद अपने हैंडशेक किया, हैंडशेक करने के बाद पीछे और पीछे उन्होंने हाथ दे के हमको ऐसा शाबाशी दिया, बोला बहुत अच्छे, आगे बढ़ते रहो, अच्छी तरह से काम करो। तो वो जो रहता है उनके लिए वो भूल गए शायद उनको, लेकिन हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहता है। कोई बड़ा नेता जब आपको इंस्पायर करता है, तो अभी भी उसके बाद मैं जब भी उनके साथ बात करने का मौका मिला, संसद में भी मैं उनसे जाके हम लोग मिले, जब बात करते थे बहुत ध्यान दे के सुनते थे, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बात में क्या है, और उनका जो छोटे छोटे चीज़ों के ध्यान देना, अच्छी तरह से सबको सुनना, बहुत ही मतलब सीखने लायक है। श्री पल्लव लोचन दास। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। पल्लव लोचन दास लोकसभा के सक्रिय सांसद हैं और लोकसभा में प्रश्नकाल, शून्यकाल और नियम 377 के तहत अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच सर। हमने राइट टू एजुकेशन, हमने फंडामेंटल राइट बनाया एजुकेशन को। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर शिशु को, हर बच्चे को हम एजुकेशन देना हमारा सरकार का पहला दायित्व होता है। इतना बढ़िया माननीय नया सदस्य बोल रहा है, प्लीज सुने बात, अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले सुबह उठ के हम लोग चाय पीते हैं और चाय पी के हमारा दिन का शुरुआत होता है, लेकिन चाय पीना ले वाले वो लोगों का आज हालत बहुत ही ख़राब है। जो टी इंडस्ट्री है, टी इंडस्ट्री का हालत बहुत ख़राब है। आज टी इंडस्ट्री में ऐसा है, जो हम बाहर में चाय खरीदने जाते हैं तो चाय का मूल्य होता है 500 kg पर kg हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स है उनको आज चाय का रेट नहीं मिल रहा है। 2019-20 के समर्थन में सांसद पल्लव लोचन दास की लोकसभा में उपस्थिति 80% रही है। सदन में सांसद पल्लव लोचन दास की उपस्थिति पर एक नजर डालें तो पहला सत्र 100%, दूसरा सत्र 85%, तीसरा सत्र 83%, चौथा सत्र 100%, पांचवां सत्र 17%, छठा सत्र 94%, सातवां सत्र 94%, आठवां सत्र 59%, नौवां सत्र 100%, दसवां सत्र 85%। तेजपुर के सांसद पल्लव दास लोचन जी का संसद में अटेंडेंस काफ़ी सराहनीय रहता है, हमेशा आप चर्चाओं में भाग लेते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र की आवाज़ को अलग अलग नियमावली के अनुसार लोकसभा में उठाते रहते हैं, और आप संसद की कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रही हैं। वर्तमान में आप श्रम, वस्त्र और कौशल विकास से जुड़ी हुई संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। आप इस महत्वपूर्ण संसदीय समिति के सदस्य हैं, तो आप क्या अपने संसदीय समिति के द्वारा अपने क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ें, कौशल विकास हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? जरूर, क्योंकि पहले हम लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा टी गार्डन्स है, तो टी गार्डन्स में हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनका बहुत सारा इश्यूज़ है, तो इसीलिए मैंने लेबर डिपार्ट मतलब लेबर मंत्रालय का वो जो स्टैंडिंग कमेटी मैंने लिया, इसको चुन के लिया, क्योंकि इनमें हम लोग उसमें कैसे क्या कर सकते हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा जब देश में श्रम कानूनों को हम लोग 4 कोड में जब लाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसमें मुझे भी वहाँ पे एक कमेटी में उसमें काम करने का मौका मिला और पार्लियामेंट में भी बोलने का भी मौका मिला। तो पार्टी के तरफ से मैंने ही ये इनिशिएट किया था, पहला मैं ही स्पीकर रहा, तो मैं प्लेस किया बहुत बढ़िया था, ये एक इतिहास बनना, उस इतिहास में मैं भी पार्ट रहा। तो मैं संसदीय समिति को भी यहाँ पे बुलाया, टी गार्डन्स में लेके गए,
टी गार्डन्स के इश्यूज के बारे में बोलें, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए और कौशल विकास के माध्यम में कैसे रोजगार निकाल सकें, उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। अभी हम लोग कैसे रोजगार को बढ़ाएं, उसके ऊपर अभी भी बहुत काम चल रहा है और हमें उम्मीद है हम बहुत बढ़िया तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे। संसद और केंद्र सरकार के माध्यम से सांसद पल्लव लोचन दास ने कई विकास कार्य क्षेत्र में किए हैं, लेकिन कोविड के कारण काफी समय बर्बाद होने के कारण वो बाकी बचे कार्यकाल में अपने सभी अधूरे कार्य पूरे करना चाहते हैं। कैसी ऐसी चुनौतियां आपने चिन्हित की हैं जिसको आपको लगता है कि आने वाले बचे हुए कार्यकाल में या फिर अगर दोबारा आप चुनकर सांसद बनते हैं तो आप पूरा करेंगे? पहले तो हमारा यहाँ पर कनेक्टिविटीज़ का इश्यूज था, क्योंकि हम लोगों का हाईवे अभी 4 लेन का काम चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने के लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, रेगुलर मीटिंग्स भी हो रहे हैं। बिफोर 24 हम लोग पूरा कैसे रोड को पूरा कंप्लीट करें उसके ऊपर काम चल रहा है। हमारे यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर नया ट्रेन कैसे हम लोग ला सकते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा हो, इसके ऊपर भी काम चल रहा है और इसके जल्दी से जल्द हो ये हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। उस तीसरा हो गया हम लोगों का एयर कनेक्टिविटी, हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट में जल्द से ज़्यादा कैसे फ्लाइट यहाँ पे उतरे। अभी फ्लाइट के लिए हम लोग क्या हम कोशिश में लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फ्लाइट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगे, क्योंकि 4 कोर का यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पतंजलि का भी यहाँ पे है, यहाँ CRPF का भी है, यहाँ पूरा अरुणाचल का बोमडिला इस पूरा एरिया का लोग तेजपुर में आते हैं, तो इसमें हम लोग एयर कनेक्टिविटी के बारे में। और बाकी हो गया हम लोग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम लोग कैसे ला सकते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हम लोग का यहाँ पे हो गया क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट मेरा तीनों डिस्ट्रिक्ट में अभी दो डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो गया है चल रहा है और एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, तो मैं तीनों डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। बाकी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी बन रहा है तो वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे बनेगा और बाद में और ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे बने इसके ऊपर थोड़ा हम लोगों का फोकस में है, मैं कोशिश में हूँ जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये सब कैसे बने। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र 8 राज्यों से मिलकर बना है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद संपन्न है। देश का यह हिस्सा सबसे घने वन्य क्षेत्रों में से एक है। केंद्र सरकार द्वारा एक्ट ईस्ट नीति के तहत वाणिज्य, संस्कृति और संपर्क को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। तेजपुर संसदीय क्षेत्र पूर्वोत्तर का सबसे अहम क्षेत्र है। तो आज आपके सांसद की इस कड़ी में हमारे साथ थे असम के तेजपुर से सांसद पल्लव दास लोचन जी। आपने हमें अपने प्रारंभिक जीवन के विषय में बताया, किस तरह से उनका राजनीति में आना हुआ और क्या क्या अपने क्षेत्र और राज्य के लिए वो सोचते हैं इस विषय में हमें बताया और आगे की कार्य योजना के विषय में भी हमें बताया। पल्लव जी, आपने संसद टीवी को समय दिया, अपने संसदीय क्षेत्र में आपने हमें बताया कि आपकी क्या क्या कार्य योजना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।